लखनऊ में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, साथ ही एक सुसाइड नोट भी मौके पर छोड़ा, जिसमें उसने लखनऊ में तैनात एक आईपीएस महिला अधिकारी पर प्रताड़ना, केस में फंसाने और जेल भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले पर मृतक द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। हसनगंज के विवेकानंद हॉस्पिटल रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक ने पुलिस को फोन करने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। युवक लखनऊ सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था और रविदास मंदिर के पास रहता था। उसने अपने सुसाइड नोट में नॉर्थ जोन में तैनात आईपीएस प्राची सिंह पर झूठे मामलों में जेल भेजने का आरोप लगाया। दरअसल 13 फरवरी को आईपीएस प्राची सिंह ने इंदिरा नगर में स्टाइल इन द ब्यूटी सैलून और स्पा सेंटर पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। उनके साथ पकड़े गए मृतक विशाल को भी जेल भेज दिया गया था। हालांकि जेल से छूट आने के बाद वह मानसिक रूप से काफी दुखी था, प्रताड़ित महसूस कर रहा था। मृतक विशाल सैनी ने लिखा है, वह आत्महत्या कर रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार है आईपीएस प्राची सिंह, जिन्होंने उसका कैरियर खराब कर दिया और इस कदर कि मैं समाज और परिवार के सामने नजर नहीं उठा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से उसे घुटन महसूस हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को जेल ना भेजा जाए। मृतक विशाल सैनी ने लिखा, आईपीएस प्राची सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने प्रमोशन के चक्कर में कई निर्दोषों को सजा दी। मैं बेकसूर था, मुझे सेक्स रैकेट में प्राची सिंह ने फंसाया। साथ ही उसने इस नोट में लिखा कि माता पिता को अपना ख्याल रखने और LIC से जो पैसा मिले उससे घर की मरम्मत में प्रयोग करने की बात कहकर लड़के ने सुसाइड कर लिया। वहीं इस मामले में लखनऊ कमिश्नर DK ठाकुर का कहना है कि आरोप निराधार है। मृतक विशाल सैनी के द्वारा 13 फरवरी से लेकर आत्महत्या के जाने से पहले तक परिवार मित्रजनों द्वारा पुलिस टीम के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने अपना कार्य किया और मामले की जाँच की जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसके आरोपी की जाँच गंभीरता से होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।